कुछ दिन पहले चेन्नई में F4 फॉर्मुला रेस हुआ था गाइस, इवन आई अटेंडेड दैट शो. टुडे उसी लेन में, उसी नाइट सर्किट में आई एम गोना ड्राइव माय टाइगुन GT 1.5. गाइस, एक रेस ट्रैक में चलाने का अलग मजा. यस, दिस इज वेयर द रेस ट्रैक स्टार्ट्स गाइस. ये हम ना अभी नेपियर ब्रिज में, लुक एट हाउ द सीन्स आर एट नेपियर ब्रिज. सो अभी तक पूरा कंस्ट्रक्ट अभी हटा रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्ट किए थे वो सब धीरे धीरे हटा रहे हैं. हमने एक बार पहले भी ड्राइव किया था, फिर से भी ड्राइव कर रहे हैं. इट विल बी माय एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ रेस सर्किट, बट ओनली डिफरेंस इज आज ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ट्रैफिक है. अभी 2 बजे का टाइम है और आफ्टरनून टाइम है, लंच टाइम है. ऑल दिस व्हाइल आगे का रोड देखो गाइस, और हम इस पे टॉप स्पीड फर्स्ट गियर 50, सेकेंड गियर गाइस पूरा ट्रैक खाली है, सेकेंड गियर 100, थर्ड गियर यहाँ तो कोई नहीं आएगा ना, होप. वो बस बस स्लो कर. ओके 100 टच कर पाए, सर्किट आ गया गाइस. एक्चुअली आई वाज सिटिंग ओवर हियर ओनली गाइस, यहीं पे मैं बैठा हुआ था. गाइस ये जो सर्क्यूट है, यहाँ पे रोड्स एकदम नए बनाए हैं, पूरा एक रेसिंग सर्क्यूट जैसे अभी भी एकदम रेडी है. सो इट्स लाइक मैं पूरा फिर से ग्राउंड जाने वाला हूँ अराउंड दिस ट्रैक. ट्रैक में चलाने का एवरी एक एंथुजिया से एक मजा है. यहाँ पे देखो और एक टाइगुन GT रेड कलर. रोहन अब रात को चलते हैं. हाँ रात को भी गाइस यू कैन ड्राइव इट लाइक क्रेजी. गाइस आगे देखो एक टाइगुन है, और यहाँ से हम लेते हैं एक यू टर्न. एंड ये पूरा ट्रैक पे एक सर्कल मार रहे हैं गाइस, इट्स अ 3.5 किलोमीटर ट्रैक गाइस. ट्रैक पे रात को देखेंगे. हे टू वे है ये. नहीं सेफ है रोहन, मेरे को डर लग रहा है. ये वोक्सवैगन चलाने का मजा तो लेना है ना. मुझे डर लग रहा है भाई. गाइस ब्रेक टेस्ट मत कर रहा, मैं घिल रही हूँ पूरी, मैं हिल रही हूँ. रोक स्लो. गाइस हमने यहाँ पे BMW 340i चलाई था, मजा आया गाइस. रोन रुक स्लो. गाइस वी आर बैक एट द ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट. सो ये पिट था, एंड यहाँ से रेस ट्रैक फिर से स्टार्ट हो रहा है. Oh my god. So guys, यहाँ से सर्क्यूट स्टार्ट होता है. सो वी हैव कम अगेन एक ग्राउंड मारने, एक एक्सपीरियंस करने गाइस. देखो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो रहा है. सो ये नेपियर ब्रिज है चेन्नई का. सो गाइस लेट्स ट्राई, एसी इज ऑन एंड लेट्स डू द ट्रैक रेस. ऑन स्लो. Guys, I've never drove my GT ऐसे कभी मैंने चलाया नहीं है. आज बस एक्सपीरियंस करने के लिए चला रहा हूँ. ऐसे मत चलाओ आप. मैं फुल सेफ्टी के साथ सीट बेल्ट डाल के एकदम सेफ्टी के साथ चला रहा हूँ मैं गाड़ी को. ये जो F4 हुआ था ना चेन्नई में, वी एक्सपीरियंस दैट लाइव. मैं मेरे दोस्तों से आके व्लॉग बनाया था. इट वॉज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस. हमने कभी एक फॉर्मूला कार को सामने से देखा नहीं, कभी भागते हुए देखा नहीं. तो दैट वॉज एन टेरिबल एक्सपीरियंस गाइस. द एग्जॉस्ट, इट वॉज, गो चेक दैट व्लॉग आउट, आपको पता चलेगा. वी मेट अ फ्यू कार एंथुजियास्ट, दोस्त बनाए. सो काफ़ी ज़्यादा फन किया उस वीडियो में. ये ट्रैक अभी भी ऐसा ही है, अभी थोड़ा रिमूव कर दिया साइड का पिंजरा सब, उसको क्या बोलते हैं, केज या व्हाटएवर द मेश, उसको थोड़ा रिमूव कर दिए. पर अभी भी ट्रैक इज एकदम क्लीन स्मूथ, जैसा ट्रैक होना चाहिए वैसा ही है. बस थोड़ा धूल मिट्टी है, वो चलता है. अभी मैं बताता हूँ, पूरा एक खींचने वाला हूँ कार को. अभी सिग्नल खुला है. सो गाइस आई एम ड्राइविंग विद ऑल सेफ्टी. गाइस मेरे आगे देखो रोड पूरा क्लियर है. So this is a time to drag 50, 80, 90, 100, 120, 120. Okay, 130 पे ब्रेक मारना पड़ा. Okay, 130 guys. ठीक है गाइस.
गाइस हमारा जो स्टैंड था ना, हमारा स्टैंड यही पे था, वी पार्क्ड आवर कार, हम चल के यही पे कहीं बैठे थे, सो इसके अंदर हमारा स्टैंड, ग्रैंड स्टैंड यही पे था। वहां से देखने का मजा था, पर कार ऐसे फट से चली जा रही थी, तो वो थोड़ा गुस्सा आया कि वी कुडंट एक्चुअली मीट, हमारा जो वीआईपी ठीक था वो मिला नहीं, सो वी कुडंट गो इन द वीआईपी पिट जहां हम ड्राइवर्स को कार के साथ फोटो खिंचवाएं, वो हुआ नहीं, नहीं तो वो भी हो जाता एंड इट वुड हैव बीन सुपर टेरिबल, सुपर फन। सो अगेन बैक टू ट्रैक, सो गाइस दिस इज द ट्रैक, सो काफी सारे, दे वर लाइक 21 टर्न्स और 31 टर्न्स, पता नहीं मेरे जितने कितने एंथुसियास्ट आर ड्राइविंग इन द सर्क्यूट राइट नाउ। भाई इस बार सर्किट खाली नहीं है भाई, आजा सर्किट, ये ही इज पुटिंग राइट इंडिकेटर एंड ड्राइविंग, व्हाट इज दिस नॉनसेंस ओनली। इस पुलिस की गाड़ी जा रही है, देखो पकड़ के लेके जाएंगे अभी। बस 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 बस, स्लो स्लो स्लो। ओके नो ब्रेक टेस्ट, स्लो 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 स्लो, मेरे को मार डालेगा रे, हो गया। ओके दैट्स इट गाइस, सो अब बस खत्म, बस चलो। So guys, mom तो डर गई, I shouldn't be driving like this, पर मैंने जो टॉप स्पीड मारा यहाँ पे, it just guys, जो cars F4 के थे, they used to drive at like 240, 250 टॉप स्पीड, गाड़ी को फोर्थ गियर के ऊपर ही नहीं डाल पाया मैं, सो सिर्फ अराउंड 50 पे चला, आई मीन 50 to 100 उस रेंज में ही गाड़ी जा रही थी, सो आई गेस स्पीड लेवल विल बी 80, पर उससे ज्यादा गाड़ी नहीं जा रही है। Guys, look at, this is Chennai का Napier Bridge, बहुत फेमस नेपियर ब्रिज है ये, वो फोक्सवैगन चलाने में जो मजा आ रहा है ना, आई कैंट इवन एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स गाइस, दिस इज जस्ट ऑसम, जस्ट ऑसम, जस्ट ऑसम, जस्ट ऑसम। आई एक्चुअली हिट द टॉप स्पीड, मैंने पहले भी चलाया हुआ इस गाड़ी का टॉप स्पीड किया हुआ है मैंने, पर इस बार एक्चुअल हाई आरपीएम पे टॉप स्पीड चेक किया, सो दैट वाज एन वेरी वंडरफुल। ये देख भाई सिग्नल, नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस इन माय जैस। अभी इस गाड़ी को आराम से चलाने में मज़ा भी है, भगाने में मज़ा है, सो यू हाउ एवर यू ड्राइव उसमें मज़ा है गाइस। मैंने एक्चुअल ऑफ रोडिंग किया नहीं है अभी तक, वो बाकी है, बाकी सब तो टर्निंग पे ऐसे वैसे ऐसे चलाना सब हो गया है, ब्रेक टेस्ट, स्पीड टेस्ट, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस गोज लाइक अ बीस्ट गाइस, लाइक अ बीस्ट। ये चेन्नई बीच है गाइस, मरीना बीच है, दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ एशिया, एशिया का सबसे लंबा बीच आता है इसको। इसको ट्रैफिक में मैनूवर करना भी इजी है गाइस, एक हाथ से मैनूवर करना देता है ना, थर्ड गियर में पंप इज लाइक अमेजिंग। आई गेस इसके ब्रेक्स थोड़ा इम्प्रूव कर सकते थे, इसके जो भी कंपिटिटर्स है ना, जो भी 1.5 में इसके कंपिटिटर्स है, दैट इज अल्काज़ार 1.5 न्यू जेन आया है, उसके बाद यू कैन सी क्रेटा, वो भी 1.5 है, उसका भी गाइज ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स दे, पर इसमें इसने ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स नहीं है, सो दैट इज अ वेरी बैड ड्रॉबैक गाइज। इतना पावरफुल इंजन और उसके बाद भी देर इज नो व्हाट टू से, देर इज नो डिस्क, सो वो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम गाइज। मैं इसमें चारे पहियों में आई वुड प्रेफर डिस्क गाइज, जब डिस्क होता है ना, इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल द कार, ब्रेक द कार, मतलब उस पावर के लिए चार डिस्क इज वेरी नेसेसिटी गाइस। अभी तक तो मुझे बस दो ड्रॉबैक मेजर लगे, एक तो इसका हेडलाइट, दूसरा इसका ऑल व्हील डिस्क, सो वो नहीं है, बाकी सब तो गाड़ी चलाने में एकदम बढ़िया है गाइस, नथिंग बैड टू से।
एंड इस गाड़ी को प्यार से चलाने पे ये इको मोड पे आ जाता है, दैट गिव्स अ वेरी गुड माइलेज. आई मैंने इस गाड़ी से 22 का माइलेज निकाला है गाइस ऑन अ स्ट्रेच ऑफ 200 किलोमीटर्स. आराम से 20 से 22 आ जाता है आराम से, इफ यू ड्राइव एट 100, क्रूजिंग एट 100. आई एम नॉट टेलिंग ड्राइविंग एट 100, आई एम सेइंग क्रूज, मतलब आराम से 80 to 100 क्रूज करो, आराम से मस्त एक गियर में क्रूज करो, देन इट विल गिव यू बढ़िया से बढ़िया हाईएस्ट 20 to 22 माइलेज. पर सिटी ड्राइव में इतना माइलेज एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ये कार सिटी ड्राइव के लिए इतना बना हुआ नहीं है, हाईवेज के लिए इट्स जस्ट परफेक्ट. गाड़ी बंद हो गई थी पर फिर से ऑन हो गया, सो दिस इज समथिंग विच आई लाइक. मैनुअल में ऐसे फट से ऑन हो जाता है. गाइज इफ दिस वॉज इन फोर व्हील ड्राइव, मैं सीधा गाड़ी उतार देता वहां पे और डोनट्स बनाने लग जाता गाइज, बीच के पास, समुंदर के पास, एकदम बढ़िया से बढ़िया क्लिक्स ले लेते हैं. पर ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, ये गाड़ी भगाने पे इट गिव्स गुड माइलेज, धीरे चलाने पे माइलेज नहीं देता वो अलग बात है, पर व्हेन इट्स इन इको मोड इट गिव्स वेरी गुड माइलेज. जस्ट लुक एट हाउ द सी लुक्स गाइस, दिस इज द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ चेन्नई, मतलब एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट बीच है ये. मेरे पीछे एक बढ़िया सा फॉर्चूनर आ रही है. दिस बीच इज डैम गुड गाइस, फिशरमैन जो भी यहाँ पे रहते हैं ना उनके लिए बड़ा सा अपार्टमेंट बना रहे हैं. सो ये उनका फिशिंग ग्राउंड है, दे गो डीप इंटीरियर्स फॉर फिशिंग एंड उसके बाद यहाँ से मछली ला के वहाँ पे बेच देते हैं. सो यहीं पे ऐसे काउंटर्स बना के बेच देते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू एक्चुअली ड्राइव माई कार. मुझे एक बार ना ऑल व्हील ड्राइव, आई नेवर ड्रोव एन ऑल व्हील ड्राइव कार. ऑल व्हील ड्राइव कार वो भी मिट्टी में या सैंड, क्ले सैंड होता है ना उसमें ड्राइव करना है, नेवर ड्रोव उसमें ड्राइव करना है, स्नो में ड्राइव करना है, वो सब एक्सपीरियंस आई डोंट नो व्हेन आई एम गोना डू, पर वो सब एक्सपीरियंस करना है मुझे, वो भी अपनी कार में करना है. पर इस कार में तो होने वाला नहीं है, ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है. सो ये मिट्टी में उतर रहा हूँ, ये मिट्टी में लेके जाऊँगा दैट इज इन सैंड बीचेस में, तो ये तो गाड़ी फंस जाएगी. एक फॉर्च्यूनर, एक डिफेंडर, एक रेंज रोवर, ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव, या थार भी होने दो गाइस, थार से भी काम चल जाएगा. एक बढ़िया से मिट्टी मिट्टी वाला ऐसे डाल के, मिट्टी में चला के ऐसे डोनट्स बनाना, ये करना वो करना इज लाइक रियली रियली गुड क्रेज गाइस. ये देखो आगे यहाँ पे पूरे फिश शॉप्स है गाइस. ये देखो पुरानी फॉर्च्यूनर, ये भी बढ़िया से बढ़िया डोनट्स बना सकती है. सो इट्स जस्ट एन व्हाट टू से, इट्स एन फन टू ड्राइव गाइस. इट्स यहाँ से पूरा मछली मिलता है गाइस, पूरा फिश. बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे. बहुत दुकानें बन गई, बहुत सारे दुकान बन गए अभी, आप देख लो सब फिश नॉनवेज ही है, हम नहीं खाते नॉनवेज. बीच यही है गाइस, पास में है बीच, समुंदर. लुक एट सुंदरी अक्का कड़ाई, विजया अक्का. पूरा फिशिंग नेट्स यहाँ पे है, फिश के दुकान, यह सब दुकान में बेचते हैं. एंड आगे एक मंदिर है, आगे भी जा सकते हैं इफ़ यू वांट. मैं चलो आगे जाके बताता हूँ. सो बीच, ये है हमारा बीच गाइस. यहाँ पे गंदा है, आगे क्लीन था. यहाँ पे देखो बीच है ये. सो बढ़िया सा बढ़िया बीच है गाइस यहाँ पे. ये देखो मॉम साड़ी में पहनती है. ओ एक्चुअली Why I am in this outfit? क्योंकि हम ना आज एक फंक्शन गए थे, फंक्शन से सीधा घर जा रहे थे, रास्ते में आ रहा था, तो हम सोचा कि यहाँ पे एक गाड़ी को भगा के देखते हैं. इट बी एन एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन एन F4 सर्क्यूट. सो दिस इज हैपेंड फर्स्ट टाइम इन एशिया, कभी ऐसे कभी हुआ नहीं है. एक अलग अब्रॉड में हुआ है, पर नाइट स्ट्रीट सर्क्यूट सिर्फ चेन्नई में फर्स्ट टाइम हुआ है. आई डोंट नो इफ यू वुड हैव मिस्ड इट, पर इट वेंट रियली वायरल. सो गाइस, सो बढ़िया से बढ़िया व्यू के साथ मैं अभी जा रहा हूँ घर. सो मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून्ड. अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है गाइस, बाहर देख सकते हो आप 37.5 डिग्री सेल्सियस है और अंदर हम AC 20 पे रख के बैठे हैं. सो चलो टाटा बाय बाय, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. तब तक स्टे ट्यून्ड एंड या सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू स्टिल हैव इट.